जैसा कि आपको विदित है कि देश इस समय एक अभूतपूर्व समस्या से ग्रसित है और एक ऐसे समय काल से गुजर रहा है जबकि हमें न केवल अपने धैर्य का परिचय देना है बल्कि अपने नवाचार के माध्यम से यह भी स्पष्ट करना है कि इस लड़ाई को हमें हारना नहीं है बल्कि इस चुनौती को हमें एक अवसर के रूप में बदल लेना है। यह विशेष अपील मेरे विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारी बंधुओं से है कि उन्हें भी यहाँ पर ऐसी क्षमता का परिचय देना है कि विश्वविद्यालय ठहर न जाए बल्कि अपने काम करने के तरीके बदल कर अपनी क्षमताओं का पूरा प्रदर्शन कर सके। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे विश्वविद्यालय में हम लोगों ने हर क्लास का लगभग एक व्हाट्सएप ग्रुप विकसित कर दिया है, ईमेल पर सभी छात्र अवेलेबल हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी हम निरंतर उनसे संपर्क में हैं और यूट्यूब के माध्यम से हम उन्हें निरंतर संदेश प्रसारित कर रहे हैं, हम अपने व्याख्यान प्रसारित कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने ईमेल के माध्यम से भी उनसे संपर्क साधा है, हमारी वेबसाइट निरंतर अपडेट हो रही है और उन्हें संपर्क किया जा रहा है। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि हम लॉकडाउन की स्थिति में छुट्टी नहीं मना रहे हैं बल्कि हम लॉकडाउन की स्थिति में कार्य करने की पद्धति को बदल कर अपनी क्षमताओं का विकास कर रहे हैं। हमें यहाँ पर वर्क टू होम, वर्क फ्रॉम होम की पद्धति विकसित करनी है जिसमें हम अपने घर में रहते हुए अपनी सीमाओं की, अपनी लक्ष्मण रेखाओं को न लांघते हुए अपने आप को निरंतर देश की दुनिया से और अपने पाठ्यक्रम के संबद्ध संपर्क में बने रहें, अपने अध्यापकों के संपर्क में बने रहें, अपने टीचर्स के साथ इंटरैक्टिव बने रहें जिससे कि आपका पढ़ाई का नुकसान नहीं हो। इसी प्रकार यही अपेक्षा मैं अपने शिक्षकों और कर्मचारी बंधुओं से करता हूं कि वे जहां हैं, जिस एनवायरनमेंट में हैं, जिस जगह पर हैं, वहां से तमाम इलेक्ट्रॉनिक नवाचारी माध्यमों से बच्चों से संपर्क रखें और उनके पाठ्यक्रम को पूरा करते रहें, साथ ही साथ उनकी तमाम समस्याओं का निदान भी करते रहें। इसी प्रकार मेरे कर्मचारी बंधु अपने हमारे सारे महाविद्यालयों से संपर्क में रहें, अपने विश्वविद्यालय के आवश्यक कार्य करते रहें और साथ ही साथ जहां आवश्यकता हो वहां पर किसी नवाचार के माध्यम से अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करें। मैं भी आपसे निरंतर जुड़ा हुआ हूं, मैं विश्वविद्यालय के लगभग हर कर्मचारी और हर शिक्षक से स्वयं व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूँ और निरंतर अपने संदेश उन्हें प्रसारित कर रहा हूँ जिससे कि हम किसी भी प्रकार इस लड़ाई में अन्य से पिछड़ ना जाएं बल्कि हमें इस चुनौती को एक अवसर के रूप में बदल देना है। हमने छात्रों की क्षमताओं को विकसित करना है, नवाचार को विकसित करना है और निरंतरता के साथ अपने पाठ्यक्रमों को पूरा करना है। साथ ही साथ हमें आगे आने वाली परीक्षाओं की तैयारी करनी है, प्रवेश की तैयारी करनी है और ये सारी चीज़ें हमें अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करनी होगी, अपने नवाचारी माध्यम से करनी होगी। हमारे IET के निरंतर क्लासेस चल रहे हैं, हमारे सेमेस्टर्स के निरंतर क्लासेस चल रहे हैं, सारे अध्यापक, लगभग सारे अध्यापक निरंतर अपने नोट्स बच्चों को प्रदान कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये संख्या 100% अध्यापकों तक पहुँचे और आप भी अपने छात्रों से, अपने बंधुओं से, अपने पीयर ग्रुप के साथ निरंतर जुड़े रहें। मैं आपके साथ 24 घंटे उपलब्ध हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।